गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको कक्षा सिक्स को हिंदी के अंतर्गत चैप्टर नंबर फाइव का अध्ययन कराते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर फाइव, हम सब समान। यह कविता पंडित सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। गाएंगे सब मिल नई तान, हम सब समान हम सब समान। यहाँ पर बच्चों कवि कहता है कि हे समाज के सभी व्यक्ति एवं बच्चे, आओ हम सब मिलकर एक नई तान का आरंभ करते हैं, एक नए सुर को, एक नई गीत को निर्माण करते हैं। आओ इसकी शुरुआत हम कहते हैं, हम सब मिलकर के हैं सब एक समान। आगे क्या कहता है यहाँ पर कवि, हिल मिलकर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम, नित विमल प्रेम की गंगा में घुल मिलकर साथ बहेंगे हम। आगे कवि कहता है कि हम हिल मिलकर एक साथ रहेंगे और सुख दुख में सबके साथ सुख बांटेंगे, दुख में दुख बांटेंगे, और हम प्रतिदिन विमल प्रेम की गंगा बहेंगे और घुल मिलकर साथ ही हम रहेंगे। है एक देह है एक प्राण, हम सब समान हम सब समान। आगे कभी कहते हैं कि हमारा शरीर एक है, हमारे प्राण एक है, फिर हम सब समान हैं, हम फिर सब समान ही हैं। चीनी हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी। आगे कभी कहते हैं कि चाहे हम चीनी हो या चाहे कोई जापानी हो, चाहे कोई ईरानी हो या तुर्कस्तानी हो या अमेरिकन हो या इंग्लिस्तानी हो, फिर भी हम सब एक हैं और हिंदुस्तानी ही हैं। लाएंगे नवयुग का विहान, हम सब समान हम सब समान। कवि कहता है कि हम एक नए युग का निर्माण करेंगे, एक नए सवेरे को उजागर करेंगे। आओ हम सभी मिलकर गाएं, हम सब एक समान। ओके।